हेलो एवरी वन हाउ आर गोल उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन्टी सिक्स को हम डिस्कस करेंगे ठीक है जो कि बैंक क्लर्क एग्जाम पटना में आए हुए क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन ही इज दैट हाउ इज़ दैट हाउ इज़ दैट यू डिड नोट टेल अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर नो एर तो क्वेश्चन नंबर वन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स इसमें कोई भी जो करेक्शन है नहीं होगा फ्रेंड्स तो ये सेंसरेंस हमारा करेक्ट है नेक्स्ट देख लेते हैं वन ऑफ द रीज़न फॉर माई लिविंग द कंपनी वाज द लेक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड देयर नो एर तो हमारे क्वेश्चन नंबर टू में फ्रेंड्स हमारे नो no एरर है इसमें भी फ्रेंड्स ई ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्यर आई वुड नोट हैव सबमिटेड माई पेपर्स तो आप समझ ही गए हो गए फ्रेंड्स इसमें हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर इफ के साथ हम लोग फ्रेंड्स वुड का यूज नहीं करते हैं वुड के बदले वुड हैव के बदले हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा हेड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है तो हेड का यूज इन कंडीशनल सेंटेंस है अनरियल सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ठीक है इफ प्लस हेड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री का नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कैन यू एक्सप्लेन टू मी वाई ही डिड नोट कंप्ली विद द इंस्टो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हीम नो एरर तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है तो so हमारा ई ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर करेक्ट फ्रेंड्स ठीक है ई ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट ही इज़ नोट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइडेड हिम डिटेल्ड फीडबैक ऑन हीज़ बिहेवियर नो एरन तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरन यहाँ पर हमें फ्रेंड्स प्रोवाइड के बजाय यहाँ पर हमें प्रोवाइड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है प्रोवाइड का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि इज इज़ जो है हमारा यहाँ पर इज़ जो यूज़ हुआ है इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस से है वो क्या है प्रेजेंट टेंस में है फ्रेंड्स ठीक है तो इसीलिए हमें इसको प्रेजेंट टेंस में ही पूरे पूरे इसको सेंटेंस को बनाना होगा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ही थिंक्स दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल एंड कैन टोट ही दिस टू अदर्स ऑल्सो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स टोट के बजाय टीच का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है टू टीच का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि जो हमारे मॉडल ऑक्जिलरीज है फ्रेंड्स उनके साथ हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम लोग मॉडल ऑक्जिलरीज के साथ वी वन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर कैन ठीक है कैन है ना यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सीता एंड हर चिल्ड्रन फील्ड्स दैट दे है डील वाई द सोसाइटी इन जनरल नो एर तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर आर यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर सेवन में फील्ड्स को बजाय हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा फील्ड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है सीता एंड हर चिल्ड्रन जो कि क्या है टूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर फील्स का यहाँ पर यूज़ के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं सिंगुलर प्लूरल के साथ हम लोग से यूज फील यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्रेंड्स ये क्या है ये हमारी प्लूरल वर्ब है ये हमारी सिंगुलर वर्ब है लेकिन हमारी प्लूरल वर्ब क्या है फील नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट आइदर हर आइदर ही नोर हीज ब्रदर ठीक है आयदर हर नोर हिज ब्रदर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ अवर सोसाइटी नो एर तो क्वेश्चन नंबर एट में हमारे डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें नोर की बजाय ओर का यूज़ करना हो गया क्योंकि नाइदर नोर आयदर ओर ठीक है कि हम लोग पेयर यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइन एनफ एनफ इज एनफ आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिस एनी मच तो क्वेश्चन नंबर एट नाइन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरट यहाँ पर हमें फ्रेंड्स मच की बजाय यहाँ पर हमें मोर का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है मोर का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि क्योंकि मच क्या है पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि मच क्या है पॉजिटिव डिग्री में है इसका कंपेरेटिव डिग्री मोड़ होता है फ्रेंड्स ठीक है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा कंपेरेटिव डिग्री मोड़ का यहाँ पे यूज करना होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन ही की वन एच ए चॉइस आई विल प्रीफर वर्किंग इन द फील्ड टू वर्किंग इन द ऑफिस नो एट तो क्वेश्चन नंबर टेन में हमारी फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है ये हो जाता है हमारा नो no एरर अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेट नेक्स्ट सेट को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि गोवा हार्टी बैंक क्लर्क का एग्जाम नाइनटीन एट में आई हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए जो पहले आया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट हम देख लेते हैं बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन नो एरर तो क्वेश्चन नंबर वन में हमारे डियर फ्रेंड्स हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स एंड के एंड के बदले हमें यहाँ पर क्या यूज़ करने पड़ेगा बट का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि नॉट ओनली uh, के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ठीक है तो हमें पेयर को करेक्ट तरीके से यूज़ करना होगा क्वेश्चन नंबर टू यू शुड नेवर कैरी यू शुड नेवर कैर कैरी टेल्स और स्पोक इल ऑफ अदर्स सो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स स्पोक की बजाय स्पीक का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है speak का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि तो शुड के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे V1 का फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं एज यू वेल नोन तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम देख लेते हैं ही ड्रिंक्स वंस मोर एज ही फीलिंग थ्रस्टी नो एरर तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारी फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है तो ये हमारा हो जाता है नो एरर क्वेश्चन नंबर फोर हम देख लेते हैं ही लुक्स इन टू द वॉटर एंड वर फ्राइटेंड एट द शाइट तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स लुक्स की बजाय क्या यूज़ करना होगा लुक का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है वी है फ्रेंड्स सो so, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा लुक का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्वेश्चन नंबर फाइव द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोकन द जग तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा हु की बजाय विच का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव में प्र, प्रोनाउन hmm. में व्यक्ति के लिए यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर विच का हमें यूज़ करना होगा वस्तु के लिए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स राथा केम टू द मीटिंग मच लेटर क्ट तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे फ्रेंड्स हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा हेड एक्सपेक्टेड ठीक है हेड एक्सपेक्टेड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स हेड एक्सपेक्टेड का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है पास्ट में क्योंकि तो राधा ने राधा के आने का काम पास्ट में हुआ है ठीक है जबकि एक्सपेक्ट करने का काम कर जबकि एक्सपेक्ट करने का काम उसके पहले अर्थात पास्ट में पा, पास्ट के पास्ट में हुआ है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दीपा दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ओफन मीट ईच अदर नो एरर क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे जो है ई पार्ट में ई पार्ट हो जाता है करेक्ट यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है वन ऑफ दैम फॉर to टू टेक bag बैग फ्रॉम द स्कूल नो एर क्वेश्चन नंबर एट में हमारी सी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या करना पड़ेगा देयर की बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रेंड्स हिज़ का यहाँ पर यूज़ करना होगा ठीक है वन के साथ क्योंकि सब्जेक्ट क्या है वन तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वन ऑफ दैम है ना तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते, है? करते हैं हिज़ का यहाँ पर यूज़ करते करना होता है फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ही वॉज ही वॉज लॉयल एंड डिड गुड सर्विस इन दार नो एर तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारी फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है तो so हमारा ई e ऑप्शन हो जाता है करेक्ट ठीक है वार वाले में क्वेश्चन नंबर टेन She कंप्लें that her watch does not show right time. तो क्वेश्चन नंबर टेन में हमारी फ्रेंड्स हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर. यहाँ पर हमें कंप्लेन की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा कम्प्लेंस ठीक है कम प्लेन्स का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है तो कि हमारा क्या है सब्जेक्ट का वा, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है हमारा शी है फ्रेंड्स तो जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो कंप्लेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं करेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन द कंप्लेन वॉज सॉरी कैप्टन वाज एंग्री वैन ही फाउंड यू आर नोट देयर तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स ठीक है डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इलेवन में आर की बजाय यहाँ पर हमें फ्रेंड्स वर्क का यहाँ पर यूज़ करना होगा ठीक है वर्क का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि हमारे डी पार्ट में क्या है वाज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व माई ग्रैंडफादर वाज एप्रिसिएटेड बाई हीज फ्रेंड्स ऑफ हिज ऑनस्टनेस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स ठीक है ऑनेस्टनेस की बजाय हम लोग क्या यूज़ करेंगे ओनेस्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेंड्स ओनेस्टी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ठीक है ओनेस्ट का ओनेस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका नाउन रूप क्या होता है ओनेस्टी होता है फ्रेंड्स ठीक है कि ओनेस्टनेस तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आवर न्यू प्ले ग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स बिग की बजाय हमें यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा एस बिग एस का यहाँ पर यूज़ करना होगा या फिर हम लोग बिगर का भी यूज़ करेंगे कर सकते हैं फ्रेंड्स बिगर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि पॉजिटिव डिग्री तथा कम्पेटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन ठीक है कम्बिने कॉम्बिनेशन में है फ्रेंड्स वाक्य जो हमारा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोटीन हम देख लेते हैं He remark that there are many thieves in this in big cities. No error. Question number 14 में हमारे A part में हो जाती है error remark के बजाय bajaye hum क्या kya करेंगे karenge friends रिमार्क्स का यहाँ पर par करेंगे karenge friends present डेफिनेट का है ही क्या है ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन singular नंबर में है फ्रेंड्स इसके लिए singular verb का यूज़ करेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ओल द क्वेश्चन आर बीन रिटर्न क्लियरली ऑन द बोट तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमारे फ्रेंड्स बी पार्ट में हो जाती है यहाँ पर हमें आर की बदले क्या यूज़ करने पड़ेगा हैव का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स हैव का यहाँ पर यूज़ करना होगा ठीक है इज आर एम वाज वर के बाद बीन का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स ठीक uh, है क्योंकि बल्कि हैज़ हैव हैड के बाद होता है ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या है ऑल द क्वेश्चन ठीक है जो कि प्लोरल है और भाव प्रेजेंट का है ठीक है सो so, हमें क्या करना पड़ेगा आर के बदले हमें यहाँ पर हैव का यूज़ करना होगा फ्रेंड्स तो आज करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को एंड तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको जो है डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो प्रैक्टिस करते रहे फ्रेंड्स तभी तो हो पाएगा ठीक है आपका एग्जामिनेशन क्रैक तो थैंक यू एवरी वन हैवे नाइस